Hey guys, welcome back to the new video. था कैसे हो आप सभी लोग? Hopefully सभी लोग बढ़िया होंगे. So guys, आज के इस episode में हम लोग जो है टेम करने वाले अर्जेंट है इसको, वो इसलिए बिकॉज देखो मैंने ग्रिफिन तो टेम कर लिया जो कि मैंने पिछले एपिसोड में किया था. अगर नहीं देखा तो देख लेना आई बटन पे, आई थिंक सो मेरे को याद रहा तो लिंक मिल जाएगी, या फिर चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना. और पेट्रोडॉन तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मेरे को एक ऐसा डायनो भी चाहिए जो किसी को ग्रैब कर सके और वो सिर्फ काम भाई अर्जेंट हाइस कर सकता है. सो अर्जेंट हाइस भाई आधी से ज़्यादा चीज़ें बहुत इजी कर देता, और ये मेरा ग्रिफिन है. और इसी के साथ भाई ऑफलाइन में मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रोग्रेस कर लिए, मतलब मैंने बेस वगैरह जगह सा बना लिया फिलहाल. तो इसको आगे तो मैंने कुछ ज़्यादा अपग्रेड किया और वो तुम लोग को आगे आने वाले एपिसोड्स में दिखेगा. और आई थिंक उसके बाद तुम लोग दो चार गाली भी दोगे क्योंकि बोलोगे कि तुमने इतना सब ऑफलाइन क्यों किया, इस पर वीडियोस क्यों नहीं आई. मतलब आई थिंक ऐसा कोई बोलेगा, बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो इट्स ओके. बट भाई आगे के एपिसोड्स तो पूछो मत भाई, तुम लोग बोलोगे ये कब किया मैंने, मैं अभी बता नहीं सकता, मैं बिल्कुल भी लीक्स नहीं देना चाहूँगा. बट आगे के एपिसोड्स में देख लेना. और ये वाली जो जगह है ना, ये मैंने इसलिए बनाई बिकॉज यहाँ पे मैं अपना पूरा वर्कशॉप बनाने वाला हूँ. कोई तो आई थिंक उस दिन मैंने कमेंट पढ़ा था जिसमें एक बंदा बोल रहा था, कोई तो बोल रहा था कि मैंने अपना वर्कशॉप जो है कैसे बनाया, मतलब मैं अपना सामान कैसे रखता हूँ, स्मिथी वगैरह कैसे मैंने उस पर बनाया. उस पर नहीं, अब मैं सीधा यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ जो कि काफ़ी बड़ी जगह है. सो यहाँ पे तुम लोग भी चाहो तो बना सकते हो भाई, बहुत ऊपरी जगह है, इतनी बड़ी जगह है कि मैं फुटबॉल तो इजीली खेल लूँ. मतलब इतनी अच्छी जगह है कि सारी चीज़ें बिठ जाएंगी, इंडस्ट्रियल फोर्स, कुकर विकर सारी. मैंने लीक दे दी एक्चुअली थोड़ी सी, समझ जाओ, समझ रहे हो तो समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना. एनीवे, सो आज के इस एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है टेम करने वाले अर्जेंट हाइस को, जिसके लिए मैंने ट्रैप रेडी कर लिया और मैं जाने वाला हूँ स्पॉन वाली जगह पे जहाँ पे अर्जेंट हाइस बहुत स्पॉन होते. सो वहीं पे मैं ट्राई करूंगा कि वहाँ पे मेरे को आरजी मिले, जहाँ पे मैंने 50 ट्रायंगलो भी लिए, नार्कोटिक्स सारी चीज़ें ले लिए, सूदिंग बाम वगैरह. और ये मेरा गरीब वाला बो फिलहाल लिया, एक्चुअली मेरे को इसको अपग्रेड करना बिकॉज भाई इससे सीन ऐसा हो रहा है कि इससे डायनो की हेल्थ ज़्यादा उतरती है और टॉर्पर कम चढ़ता है, ऐसा सीन एक्चुअली हो रहा है. बट एनी वो सारी चीज़ें मैं आगे क्लियर करूंगा. अभी मैं जा रहा हूँ सामने वाले एरिया में जहाँ पे अर्जेंटाइस मोस्टली बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं, नहीं तो उसके आगे स्नो बायोम भी है. सो देखूंगा वहीं पे कहीं तो अर्जेंटाइस ढूंढूंगा, वहाँ पे मेरे को 100% मिल ही जाएगा. सो वहाँ पे पहुँचता हूँ पहले, तो फिर देखता हूँ भाई. यहाँ पे मैं आ तो गया लेकिन मेरे को अभी अर्जेंटाइस दिख नहीं रहा है बिकॉज जब भी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ यहाँ पे भाई अर्जेंटाइस दिखने लग जाते हैं, बट अभी मेरे को एक भी नहीं दिख रहा. पहले रुको मेरे को देखने, तो मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा भाई मेरे को. अबे यहाँ पे भाई ऐसा हमेशा क्यों होता है मेरे को पहले ये बताओ, ऐसे यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा क्यों होता है भाई? जो चीज़ तुम्हें टेम करनी वो दिखती नहीं है भाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. बट जब भी आता हूँ भाई लाखों करोड़ अर्जेंटाइस यहाँ पे होते, चलने नहीं देते, पता है पतंग से ज़्यादा अर्जेंटाइस हवा में होते. कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी. अभी देखो अभी आलू सर है, जिस दिन आलू सर टेम करना है मैं यहाँ पे आऊँगा. ये देखो ये दो तीन दिखे बट बेकार लग गए. जिस दिन आलू सर टेम करना है यहाँ पे आऊँगा, देखो आलू सर ही नहीं होंगे, और उस दिन ये क्लिप में लगाऊंगा आप देखना. एक सेकेंड, ये अल्फा रेक्स है क्या? ये अल्फा रेक्स है क्या कि इसमें से? एक सेकेंड मेरे को देखने दो. ओ अल्फा टी रेक्स है भाई, ओपी चीज़ भाई. इसको मारूँ भाई, इससे ग्रिफिन से इसको मारूंगा, इससे मेरे को ये भी मिलेगा, लेवल भी मिल जाएगा मेरे ग्रिफिन को. ओ बैंड की हेल्थ देखो मेरी क्या ही खाई भाई, भाई मजाक हो रहा है. आ जाओ एक काम करता हूँ इसको, अबे आना भाई पीछे, इसको उस बसड़ में लेके जाता हूँ, सबको मारेगा, एटलीस्ट स्पॉन तो होंगे नहीं वाले. आना यार क्यों टाइम पास कर रहा है भाई, रेक्स मार खा के मानेगा क्या? ये क्या मजाक है, बकरा हूँ, मार दो फेंक दो. आई नो मैं अपने औकात से परे बोल रहा हूँ बट फिर भी यार भाई छोड़, तू मरा ले अपनी भाई. वो क्या कर रहा है भाई, वो बेचारे एंकी को मार रहा है, छोड़ो उसके कांटे मुंह में चुभेंगे तो पता चलेगा इसको. ये कितने लेवल के? ओके एक 90 लेवल का है, एक अच्छा है, चलो एक अच्छा फीमेल आई थिंक, और एक 20 का मेल है, बेकार है. 90 मेरे को नहीं. अबे पागल जेलीफिश को मार रहा है क्या? सारा झटका दे देगी, मर जाएगा जगह पे. भाई ऐसा हमेशा क्यों होता है? तुम लोगों को बताता हूँ, कल मैं जो है रेक्स का वीडियो बनाने के लिए निकला था, अब मेरे को 120 का रेक्स दिख रहा है, कल 45 से ज़्यादा नहीं दिख रहे थे. ये भी 15 लग गए भाई, ऐसा हमेशा क्यों होता है? कल तक रेक्स ढूंढ रहा तो एक भी नहीं मिला, आज नहीं चाहिए तो 120 लेवल का रेक्स सामने दिख गया, वो भी बिना कुछ किए. पता नहीं भाई आज अर्जेंट है ढूंढ रहा, अर्जेंट कल, अब कल जाऊंगा ना तो कल 200 साल इससे अपनी भूल गया मैं, छोड़ो. कैपेसिटी से बाहर भाई मेरे को दिख जाएंगे, आज ढूंढ रहा तो भाई मिल ही नहीं रहे. कहाँ पे भाई एक अर्जेंट दिख जाए सिर्फ मेरे को, वो कितने लेवल का रुको दिखने दो भाई. 20 अभी ये उस दिन के रेक्स जैसा हो रहा है, रेक्स भी भाई 15 45 15 45 40 15 45, 300 ज़्यादा मिल ही नहीं रहा था, और आज 120 का मिल गया डायरेक्ट. ये क्या बात हुई भाई, मैं क्या फुद्दू बैठा हूँ यहाँ पे? अभी 13 तो हुआ, अच्छा भाई 45 तो भाई इनका फेवरेट नंबर है आर्क वालों का
भाई आर्क तुम्हें मैं प्ले स्टोर से डिलीट कर दूंगा अभी। भाई साहब इतना ज्यादा ढूंढने के बाद भाई फाइनली एक तुम लोग को दिखाता हूँ, 120 लेवल का मेरे को अर्जेंटाइज मिला। अभी देखो रात होने का है भाई, इतना देर से ढूंढ रहा, अब जाके एक 120 का मिला। अब सिर्फ इस एपिसोड को देख के ना एक ही चीज, अबे जा मत पीछे साले, बहुत मेहनत से मिला है तू। इस एपिसोड को देख के एक चीज याद रखना, अब नेक्स्ट एपिसोड में जब मैं टेम करने जाऊंगा अंदाज से ही देख लेना, 200-200 लेवल के, 150 लेवल के अर्जेंटाइज दिखेंगे। 200 नहीं 150, क्योंकि 150 मैक्स है, बट ऐसा भाई गलत ही सीन होता है। 12 seconds later. भाई आया मैं, सुबह था, रात को टेम कर रहा हूँ भाई, शर्म आनी चाहिए आर को, पता है इतना देर कैसे लग जाता है पता नहीं भाई। नहीं चाहिए भाई, तुम लोग इस जगह एक बार आके देखना, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा मत सोचना कि अर्जेंटाइज टेम करना है, वरना तुम कहाँ गया भाई वो बहुत। एक सेकंड रुको, एक सेकंड क्या हो रहा है भाई? भाई मेरे को बहुत मेहनत से मिला, अचानक गैप नहीं होना चाहिए। वो है क्या उधर, कौन सा है वो? ओके चलो वहाँ पे भाई, मैं बोला भाई अर्जेंटाइज गया कहाँ पे, वहाँ पे। ओके सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो ट्रैप लगाएंगे फटाफट, वही है ना बैठा हुआ? ओके 120 का फीमेल वही है। सो भाई वो अभी जाओ, जब तक वहाँ पे हम लोग फटाफट क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रैप लगाने का काम स्टार्ट कर देते। और भाई तुम लोग ऐसा सोच के आना कि तुम्हें टीम नहीं करना, और यहाँ पे देखना इतने अच्छे लेवल के इतने अर्जेंटाइज मिलेंगे ना। अभी पीवीपी में मैं अर्जेंटाइज का एपिसोड डाला था, उसमें मेरे को 90 लेवल का ऐसे ही मिल गया था। अभी तो फिर भी भाई 40-40 के मिल रहे हैं, एक मिला 90 का, बट उतना चाहिए नहीं था एक्चुअली, क्योंकि पीवीपी की बात अलग है। पीवीपी कोई भी मार देता, आई थिंक मर गया होगा अब तक, मेरे को पता नहीं पीवीपी का क्या सीन चल रहा है फिलहाल। एनीवे सो यहाँ पे रुको, मेरे को ट्रैप लगा दो पहले तो। ओके ट्रैप मैंने लगा लिया है पूरा, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इस साइड सेट करेंगे, ठीक है? और दूसरा वाला भी क्या करूँगा, इसको मैं अंदर फंसाऊंगा फिर उस पर गेट लगाऊंगा। अभी इसको लेके अंदर रुको। ओए उड़ मत भाई, टाइम साला कब से बैठा था, जैसे मैं जा रहा उड़ने लगा हूँ। ये कितने पास लग गया, चलो। वैसे मेरे पेट्रोडॉन्स है मेरे पास अच्छे, मैं उनकी ब्रीडिंग करा रहा हूँ फिलहाल एक अच्छे स्टार्ट्स का निकालने के लिए। और एक सेकेंड रुको, इसको नीचे नीचे आ साले, इतने मेहनत से उतना दूर लेके आ मत जा यार, मेरे को एक तो पेट्रोडॉन से ऊपर लेके जाने में और कंटाल आ रहा है। नीचे आ जा भाई प्लीज, ये लगता नहीं है। एक सेकेंड रुको, वो आ रहा है नीचे, साले जड़ा बना दे, नीचे आ जा भाई। ये एक तो लग जा भाई, लग जा, नहीं लग रहा, छोड़ो। मेरे को अभी एक काम करने दो, रुको मेरे को पेट्रोडॉन को लेके आन दो फटाफट, आ ही नहीं रहा, छोड़ो पेट्रोडॉन को लेके आन दो, क्योंकि भाई ये एक बार चला गया ना ऊपर मेरे बांधे लग जाएंगे। बहुत मेहनत करके 120 का मिला है भाई, मैं रिस्क ले ही नहीं सकता। और रात देखो अभी रात होने वाली है, बट अभी मैं क्या करने वाला पता है, एक आइडिया मैं यूज़ करूँगा जो मेरे को एक बंदे ने दिया था, मैं आगे बताता हूँ तुम लोगों को, होपफुली वो वर्क कर जाए। पहले इसको आ जा पीछे, अब अगर तू गया ना आरजी, तू गया कुत्ते की तरह मारूंगा अभी। आ, तेरे बाप का माल है ना, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, टाइम नहीं मेरे पास। अब एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा क्लोज आन दो, मैं फटाक से पेट्रो पीछे रख दूंगा और एरो से इसको अंदर लूंगा। पेट्रो को अंदर लेके जाऊंगा तो बाहर नहीं निकलेगा पेट्रो मेरा। अरे यार आना भाई, आना पीछे, क्या प्रॉब्लम है भाई? एक तो भाई इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं आने का, जल्दी आ। ओके अभी फटाफट आजा, थोड़ा रुक, इसको आन दो। और भाई इतना स्ट्रगल किसने किया था अर्जेंट है टाइम करने के लिए। ओके अभी एक सेकंड रुको, भाग नहीं, एक सेकंड रुको, भागना नहीं भागना नहीं भागना नहीं भागना नहीं भागना नहीं, लग जा एक सेकंड। ओ लग गई, आ जा नीचे भाई, एक सेकंड रुको, भूख भी लग गई साथ ही साथ। एक सेकंड रुको भाई, इसको अंदर डालने दो अभी, आ जा जल्दी अंदर आ जा। ओ भाई फंस गया, ओपी चीज, एक सेकंड डोर लगा दे, धक्का मत दे। ओ लग गया, हटो हटो हटो। सो फाइनली गाइस इतने ज़्यादा मेहनत के बाद भाई सुबह का बंदा भाई शाम तक, ये एक सेकंड ये अंदर लग गया मेरे से, छोड़ा अभी इसको ये करूँगा तो बाहर आ जाएगा, बेटर इसमें फंसा रहे, इट्स ओके कोई बात नहीं। सो भाई इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली अर्जेंटाइज भाई ट्रैप हो चुका है, और अभी रात हो चुकी है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी मेरे पास एक वे, मेरे को एक बंदे ने तब कमेंट करके बोला था कि मुझे क्या करना है, डायनो को केज में फंसाना है एंड देन सो जाना है, और जब अगर मैं सुबह उठूंगा तो उसका फूड लेवल कम होगा। सो ये चीज़ अभी मैं ट्राई करना लो। एक तो भाई पेट्रो को साइड में कर दिया, ये भाई उस पर खुन्नस निकाल रहा है ऐसा लग रहा है सारा, जब रात को मैं सोऊंगा भाग तो नहीं जाएगा ना, या फिर डिस्पॉन बिस्पॉन का सीन हो गया तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। एनीवे सो अभी क्या करते हैं भाई, देखो अभी इसकी हेल्थ बिल्थ भी हो रही है, ये मेरे को मार क्यों नहीं रहा भाई, इसको डर लग गया क्या मेरे से? एनीवे सो अभी क्या करते हैं भाई, और मैं पहले तो बेड बनाता हूँ यहाँ पे लगाता हूँ, एंड देन हम लोग सो जाएंगे, फिर सुबह करेंगे तो होपफुली ट्रिक वर्क कर जाए, जिसका फूड थोड़ा सा कम हो जाए तो मेरे को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बेड फाइनली मैंने बना लिया तो मैं सो रहा हूँ, लेट्स सी भाई सुबह भी देखते क्या सीन होगा, अभी फटाफट सुबह होने पहले। ओके सो फाइनली भाई सुबह हो चुकी है, बहुत देर अर्जेंटाइज का, अच्छा मैं बोला भाई अर्जेंटाइज कहाँ पे गया, उसके पंख दिखे ही नहीं। एनीवे सो अर्जेंटाइज अभी फाइनली केज में ही है, सो जान में जाने, और इसकी हेल्थ पूरी हो चुकी है, होपफुली इसका फूड थोड़ा सा उतरा हो, अगर नहीं उतरा तो पता नहीं।
और अभी देखना भाई इस बो से हेल्थ देखो इसकी कितनी जाएगी। डैम टॉर पर तो चढ़ेगा लेकिन बहुत हेल्थ जाती है, इसलिए मेरे को इसको चेंज करना है। जल्दी कर दूंगा भाई अभी के लिए। भाई टॉक्सिक एंड डायरो अगर आप इसके साथ यूज़ को, ये पता है कब का है? एक बंदा मेरे को पूछ रहा था कि उसने भी डिलोफोसॉरस हंट किया बट उसे वो नहीं मिला था। एक्चुअली उसके परस्यूट्स ऑन करने पड़ते हैं तभी मिलता है, वरना नहीं मिलता। ये चीज़ अगर आपको पता नहीं तो, और इसका टॉर पर चढ़ाएगी नहीं ये मेरे को पता नहीं चल रहा है। एक सेकेंड रुको, देखो भाई इसका टॉर पर देखो चार पांच बो में ही कितना, और हेल्थ भी देखो कितनी गलत उतर रही है, जो बढ़ रही है भेंडी। चलो सही है, एक चीज़ तो हो जा भाई, एक ही एरो की बात थी। ओके सो फाइनली भाई इतने देर के बाद भाई अनकॉन्शियस भी हो गया भाई। अभी जस्ट क्रॉस फिंगर देखना तो इसका फूड लेवल का क्या सीन है। एक सेकेंड, 60 इफेक्टिवनेस मिल रही है, यानी 180 लेवल का तो हो ही जाएगा, 150 तो हो ही जाएगा। व्हाट द हेल, एक सेकेंड भाई मेरे को पिंच काटो को कि ये चीज़ सच नहीं हो सकती भाई। सीधा जीरो फूड हो गया भाई, मतलब भाई ये बेड वाली ट्रिक तो सच में वर्क करती है। ऐसे भाई ग्रिफिन पे करेंगे तो ग्रिफिन तो भाई क्या ही इजी टेम होगा। गाइस ये मेरे को पहले ये बताओ कि ये ट्रिक किस बंदे ने बताया, मेरे को उसको भाई हक करना है खास करके। एनीवे सो भाई, भाई यहाँ पे देखो मच्छी मार्केट बना के रखा है। बसड़ कितनी है देखो यहाँ पे भाई, अबे जाना भाई कितना ज़्यादा भाई यहाँ पे है बे। रुको मेरे को भाई मीट कलेक्ट करने दो, उस ट्रिको का एक भाई केबल बनाने काम आएगा मेरे को, कोई भी केबल मांग भाई कितनी। अबे रुको भाई मैंने कुछ किया भी नहीं था पहले। अरे अरे रुको भाई, क्या क्या बसड़ है भाई, अबे कितनी कर दी है भाई। मच्छी मार्केट बना के रखा सालों तुमने, कहा गया से और कोई ये बचा। आ जा भाई, शॉर्ट ही ओपी उसलिए नसीब मेरा, और अगर भाई इस गेम में शॉर्ट नहीं होता तो मेरा कुछ नहीं होता। बट भाई रक्स भी मारा गया, चलो सही, प्राइम बिट भी मिल गए भाई। ऐसे भाई इतने जल्दी टेम हो जाएगा ना अर्जेंट, मेरे को लग रहा है मेरे को सूदिंग बांध देने की भी जरूरत नहीं है। और भाई सारे सारे लोग मार खा रहे थे, अकेला मस्त गोल होके बैठा है, सब मर गए भाई, वो चुपचाप बैठा हुआ है। सही है, एक सेकेंड भाई वहाँ पे अल्फा राप्टर है, क्या मैं इसे मारना चाहिए? इसको मार दिया तो भाई बहुत मिलेगा, बट मेरे को लग नहीं रहा मेरी हेल्थ को देख के कि मेरी औकात है। बट चलो गाइस ट्राई करते, आई थिंक मैं अल्फा रैप्टर को मार दूंगा, नहीं मारा तो सारी चीज़ें वेस्ट होंगी, इतना याद रखना क्योंकि मैंने गेम अब तक सेव नहीं किया है। ओके इसकी हेल्थ कितनी थी मैंने देखी नहीं है। ओके चल आजा भाई, आजा अल्फा रैप्टर आजा, मैं जंप होके मारूंगा भाई। एक बार ये आंग पे चढ़ गया ना मैं मर जाऊंगा। एक सेकंड रुको भाई, अगर मैं इसके आंग पे ये मेरे चढ़ गया ये मेरे को मार देगा। आ गया, मैं मर गया, मैं गया, मैं गया, नहीं नहीं मैं गया, मैं गया भाई, मेरे पास ये नहीं है। वो मर गया, ओ भाई कितने सारे प्राइमेट मिले बे। एक सेकेंड रुको मेरे को ये ले दो। ओके सो भाई फाइनली मैंने तो भाई अल्फा राप्टर मार दिया भाई, हेल्थ देखो मेरी कसम से भाई, अगर अभी किसी ने एंकाइलो ने पीछे से भाई सुई भी चुबा दी तो मेरा मर जाना है। एनीवे सो अभी क्या करते, प्राइमेट देखो भाई 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 कितने ले गया, देखते अभी कितना। ओ भाई मेरे को सच में सूदिंग बांध देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और भाई ऐसे ग्रिफिन विफिन का गीगा भाई दो मिनट में टेम हो जाएगा भाई मेरे को। जस्ट एक बात बताना और झूठ नहीं बोलना, जिस बंदे ने ये ट्रिक मेरे को बताई है कहीं से भी ढूंढ के स्क्रीनशॉट मेरे को डिस्कॉर्ड विस्कॉर्ड पे दे दो भाई, अवार्ड दूंगा भाई मैं उससे। क्या गलत ट्रिक बताई है कसम से भाई, इससे बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। अब तुम लोग सपोज कोई चीज़ टेम कर रहे हो सीधा भाई भूखा कर दो, इजी बात है भाई। सही है, ओपी ट्रिक बताए भाई जिसने बताया, बहुत ओपी ट्रिक बताई। मतलब कहना ये कि भाई मेरे को आगे बहुत ज़्यादा काम है, कुछ भी हो जाए मेरे को आगे बहुत काम आने वाली है ट्रिक, और मैं उसको अभी बहुत बार ट्राई करूंगा जब भी सूदिंग मैम। ओके सो फाइनली हम लोग का अर्जेंट अभी तो टेम हो चुका है, जो कि एक फीमेल, और भाई 177 हो गया, 3 उसकी इफेक्टिवनेस आई थिंक उतर गई, 180 होने वाला था ना वो, कोई बात नहीं। और भाई ये ट्रिक मेरे को आगे ज़रूर काम आएगी, जब भी सूदिंग बाम बजाएगा मन करे ये कर लूँगा। वैसे सूदिंग बाम का भी कोई मुश्किल नहीं है। और मेरे को कमेंट करके गाइस बताओ कि क्या तुम लोग को सूदिंग बाम फार्मिंग का एक वीडियो चाहिए, अगर चाहिए हो तो मेरे को बता देना कि सूदिंग बाम पे चाहिए, मैं जल्दी लाऊंगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत ईजी चीज़ है, और भाई भर भर के तुम लोग सूदिंग बाम फार्मिंग कर सकते हो। सो अभी मैं एक सेकंड, इसमें स्टोरेज भी बढ़ गया मेरे, एक तो ये भाई एक सेकंड साइड ड्रॉप कर दी। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले तो भाई बेस पे पहुँच जाता हूँ, और मेरे को उतना कमेंट करके बताना कि किसने मेरे को ये ट्रिक बताया, और सूदिंग मैम के लिए तुम लोगों को वीडियो चाहिए कि नहीं, बहुत जल्द आ जाएगी। और चलो बेस पे पहुँचने तो पहले। सो फाइनली गाइस मैं बेस पे पहुँच चुका हूँ, और मेरा बंदा भाई अब तक हाँफ रहा है, लाल लालों के भाई अब तक हाँफ रहा है सच में। बट सीन ऐसा कि भाई तुम्हें ऐसे नॉर्मल आर्मर से रैप्टर से पंगा लोगे तो यही होगा भाई। एक्चुअली बोला जाए तो मैं लेजेंड हूँ, बिकॉज भाई मैं अब तक प्रिमिटिव आर्मर से खेलता हूँ, मेरे को एक्चुअली एसेंडेंट का बनाना है, बट वो फोर्ज वगैरह का सीन में कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। बट अभी आर्मर मेरे को बनाने की औकात नहीं है, मैं सच में अब तक भाई प्रिमिटिव से खेलता हूँ, मैं नूब हूँ सच में, लेजेंड नहीं, उसको नूब कहते हैं।
एनीवे सो आज के लिए तो बस इतना गाइस, होपफुली आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। और अभी मैं बना रहा हूँ भाई इसके लिए सैडल फटाफट से, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि अर्जेंट है इसके लिए क्या नेम हम लोग रख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि फैल्कन ही रख दे क्योंकि वो मेरा पहले वाला था, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ। देखो अभी से तुम लोग जो नेम देना स्टार्ट कर दो डायरवुल्फ के लिए भी और अर्जेंट है इसके लिए भी, बिकॉज जैसे ही वो मतलब मैं उनमें थोड़ी सी अभी ब्रीडिंग का सोच रहा हूँ, और जैसे उनका एक अच्छे स्टार्ट वाला बच्चा निकलेगा मैं उसको वो नेम दूंगा। इनको देखिए फायदा नहीं क्योंकि इनको मैं बाद में मार डालूंगा, देखते हैं। अभी मेरे को कोई सीन पता नहीं, बट जस्ट मैंने ऐसा सोचा है क्योंकि ये अर्जेंट है उतना अच्छा नहीं होगा आगे के लिए, जस्ट आगे ब्रीडिंग करेंगे और अच्छा लेवल का निकालेंगे, ट्राई करेंगे। सो तुम लोग भाई नेम भेजते रहना डायरवुल्फ के लिए भी और इसके लिए भी। डायरवुल्फ के लिए मैंने बताया वैसे भेजना नारुटा ही बोल रहा हूँ भाई, नारुटो और शिजुका का मिक्स कुछ तो मेरे को एक तड़कता फड़कता नेम चाहिए। और अर्जेंट एविस के बच्चे के लिए एक अच्छा नेम भेजना जो अभी और एक अर्जेंट है, बाद में ऑफलाइन टीम करके ब्रीडिंग करके एक अच्छे स्टैट्स का मैं ट्राई करूंगा। बट एनीवे गाइस आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। सो अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, एंड मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम लोग यहाँ पे आर्क की और माइनक्राफ्ट की वीडियोस डालते रहते हैं, और बहुत जल्द न्यू गेम्स भी हम लोग ट्राई करने वाले, बहुत सारे सीन हैं। जस्ट सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हो तो, और डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करना बिल्कुल भूलना, वहाँ पे हम लोग के 2K मेंबर्स फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, एंड अगेन थैंक्स फॉर दैट। आई थिंक मैं उससे पहले भी कभी बोल चुका थैंक यू, कोई बात नहीं, वेस्ट थोड़ी जाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंस्टा पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम की, बिकॉज वहाँ पे मैं सारे अपडेट देते रहता हूँ कि वीडियो कब आएगी नहीं आएगी, वो सारी सीन है। बट आज के लिए बस इतना है गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे। और हाँ एक सेकेंड, ये चैन अभी जो मैंने लगाई वो उसको एक्सपी देने में ये करते हैं, मतलब 2x XP हो जाता है आई थिंक, थोड़ा जल्दी मिलता है उसके लिए लगाई। सो आज के लिए बस इतना है गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे फिर ऐसे और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो चले गाइस तब तक के लिए गुड बाय।